नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी एस ट्रिकी क्लासेस में तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहां पर रेलवे ग्रुप डी के लिए तेरह और चौदह सितंबर पर आधारित किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे तो पूरे पेपर का हल लेकर आए मतलब यानी कि आज हम लोग मैथ रीजनिंग जीके ठीक है ना सब कुछ डिस्कस करेंगे साइंस भी डिस्कस करेंगे तो किस तरीके से पेपर आता है क्या क्या आपको पढ़ना है कैसे कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं तो क्लास आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत हेल्पफुल रहने वाली है तो अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा क्लास को मिलकर शेयर कीजिएगा और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो तैयारी है बढ़िया चल रही होगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को जय बी एस ए जय बी एस ए क्लास करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शानदार शुरुआत चलिए पहला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताइए मार्च 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसके नाम की अनुशंसा की थी चलिए बताइए बोबड़े जी ने किसके नाम की अनुशंसा की थी तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रमना जी की तो जिनका भी आंसर आ रहा है न्यायमूर्ति रमना जी बिल्कुल राइट है एन वी रमना जी एन वी रमना जी भारत में आपके मुख्य न्यायाधीश हैं और इनका कार्यकाल अगस्त 2022 तक था इनका कार्यकाल कब तक था अगस्त 2022 तक था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताइए दोस्तों अब आप लोग के सामने आपको दिया गया है शुभ संध्या ठाकुर जी आपको भी एच एस जे क्यू जे क्यू एल ओ जकलो तो सी एफ का क्या होगा इसको बताइए तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा सही जवाब क्या होगा तो दोस्तों यहां पर आप लोग समझिए एच एस जे क्यू तो यहां से आ जाएगा आपका जकलो तो जकलो का कोड आपका क्या है तो एच आई जे क्यू आर एस जे के एल ओ पी क्यू तो प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू ठीक है ना अब आप लोग का क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताइए सी एक्स ई e, बी तो यहां पर आपका क्या होगा प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू हाँ तो प्यारे मित्रों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा सी डी ई e. इससे पहले आपका वी डब्ल्यू एक्स ई के बाद एफ जी वी से पहले टी यू वी तो आपका ई बी जी टी होगा यू हटा दो सही जवाब आपका सी होगा तो जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है पांच अध्यापक हैं यू बी डब्ल्यू एक्स वाई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं यू बी के बाएं और डब्ल्यू के दाएं है वाई हमारा बाएं छोर पर है बी हमारा एक्स के बाएं है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है चलिए बताइए तो इस तरीके से पांच अध्यापक हैं एक दो तीन चार पांच अध्यापक आपके बैठे हैं सब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं यू बी के बाएं हैं। यू जो है बी के बाएं हैं और डब्ल्यू के दाएं हैं। वी एक्स के बाएं हैं। तो वी हमारा एक्स के बाएं हैं। ठीक है ना वाई हमारा बाएँ छोर पर है वाई हमारा दोस्तों ये बाएं छोर पर है ये दाया छोर हो गया तो पंक्ति के बीच में कौन है गुड इवनिंग सौरभ तो पंक्ति के बीच में कौन है पंक्ति के बीच में आपका यू होगा तो जिनका भी क्लास में आंसर यू आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा यू क्लियर है बात समझ में आ रही है आपको अब बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए सौ प्राकृत संख्याओं का मासा क्या होगा तो दोस्तों सौ प्राकृत संख्याओं का मासा क्या होगा इसको बताना है तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा सही जवाब क्या होगा सौ तो, दो दस एक तो दोस्तों सिंपल सी बात है सौ प्राकृत संख्याओं का मासा एक के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें आपके अभाज्य संख्याएं भी आएंगी और अभाज्य संख्याओं का मासा आपका एक होता है तो सही जवाब क्या होगा तो जिनका भी आंसर एक आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब हो जाएगा आपका एक अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है तो आपको बताना है कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है तो चलिए बताइए कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है तो प्यारे मित्रों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सही जवाब होगा प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है तो जिनका भी आंसर प्रोजेक्टर आ रहा है बिल्कुल राइट है अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रड़ का कुछ हिस्सा साझा करता है तो प्यारे मित्रों आप लोग मुझे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रड़ का कुछ हिस्सा साझा करता है तो ये देश आपका पाकिस्तान है तो जिनका भी आंसर दोस्तों यहां पर पाकिस्तान आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा पाकिस्तान होगा चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताइए प्यारे मित्रों किसी वस्तु की बिक्री के दौरान साढ़े बारह परसेंट का लाभ है तो साढ़े बारह परसेंट का लाभ है साढ़े दस परसेंट की हानि के बीच का अंतर एक सौ इकसठ है साढ़े बारह और साढ़े दस बारह दस बाईस पांच पांच तेईस तो तेईस परसेंट का डिफ्रेंस आ रहा है एक सौ इकसठ रुपए पर तेईस सत्ते एक सौ इकसठ एक परसेंट बराबर सात होगा तो सौ परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सौ परसेंट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आपकी सात सौ रुपए आ जाएगी यदि अपेक्षित लाभ उन्नीस परसेंट है तो विक्रय मूल्य कितना होगा चलिए ध्यान दीजिए तो सात सौ का एक सौ उन्नीस परसेंट निकाल दीजिए डबल जीरो डबल जीरो क्रॉस सात निम्न तिरसठ सात एकम सात छह तेरह सात एकम सात एक आठ तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य आपका <coughs> सॉरी दोस्तों तो विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा आठ सौ तो जिनका भी आंसर आ रहा है आठ सौ रुपए बिल्कुल राइट है सही जवाब हो जाएगा आठ सौ रुपए ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे आप सबको लेकर चलते हैं ठीक है राधे राधे अब देखिए कामनी माधुरी गुंजन अनीता सुनीता राखी एक दो तीन चार पाँच छः सहेलियां हैं तो दोस्तों यहां पर छः सहेलियां हैं तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिन दोस्तों ने क्लास को शेयर नहीं किया है क्लास को शेयर कर दीजिए जिन दोस्तों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर दीजिएगा तो अब आप लोग देखिए सुनीता आयु में कामनी से छोटी है लेकिन राखी से बड़ी है अब आप लोग देखिए यहाँ पर आपकी छह सहेलियाँ हैं कितनी सहेलियाँ हैं यहाँ पर दोस्तों आपकी छह सहेलियाँ हैं मैं अच्छा हूँ गुड इवनिंग आप कैसे हो बच्चा तीन चार पांच छह सहेलियाँ हो गई कौन कौन है दोस्तों कामनी माधुरी गुंजन अनीता सुनीता राखी तो के एम जी एस आर ये दे रखा है सबसे पहले सुनीता आयु में कामनी से बड़ी है सुनीता जो है कामनी से ठीक है ना सुनीता आयु में कामनी से छोटी है तो कामनी से छोटी है सुनीता जो है कामनी से छोटी है लेकिन राखी से बड़ी है तो राखी से बड़ी है माधुरी उन सब में सबसे बड़ी है माधुरी जो है सबसे बड़ी है अनीता कामनी से कुछ महीने छोटी है अनीता कामनी से कुछ महीने छोटी है लेकिन सुनीता से कुछ वर्ष बड़ी है गुंजन कामनी से बड़ी है गुंजन कामनी से बड़ी है उन सब में तीसरी सबसे बड़ी कौन है तो उन सब में तीसरी सबसे बड़ी कौन है तो एक दो तीन तीसरे नंबर पे आपकी के से आपकी कामनी आ रही है सी आई एस एफ जो मैं आपको सीपीओ की क्लास करवा रहा हूं ना दिल्ली पुलिस एस SI, आई दिल्ली पुलिस एस आई सी आई एस एफ एस आई सीपीओ में जितने भी आपकी एस SI आई की भर्तियां आती हैं तो उसके लिए मैं क्लास जो सीपीयू की करा रहा हूं वो देखो उसमें ठीक है चलिए तो प्यारे मित्रों राइट आंसर क्या हो जाएगा कामनी हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता तो कौन सा शब्द नहीं बनेगा इसको बताइए बारात वांट, क्रेन, एंथर। तो एंथर शब्द नहीं बनेगा क्योंकि जो एच है कैंटर भरी में कहीं पर भी आपका एच नहीं आ रहा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है तीन बटे चार माइनस दो बटे तीन में इनमें से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि परिणाम हमें माइनस का एक बटा प्राप्त हो ठीक है चलिए तो प्यारे मित्रों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो तीन बटे चार माइनस का दो बटे तीन इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणाम माइनस का एक बटा प्राप्त हो तो दोस्तों ये चार दुनिया आठ ये तीन दिया नौ तो नौ में से आठ जाएगा एक चार तिया बारह बचेगा माइनस का छे एक बटा छ हो जाएगा प्लस का एक्स इधर जाएगा तो x का मान कितना होगा एल्सियम लिया 12, एक छेदनी 12, दो और एक तीन बटे बारह तीन चौक 12, तो सही जवाब होगा एक बटे चार तो जिनका भी क्लास में आंसर एक चौथा रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब एक चौथा ही होगा तो जिनका भी क्लास में आंसर एक चौथा रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब हो जाएगा एक चौथाई ठीक है बात समझ में आ रही है हम्म, ओके अब बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों क्या आपको पता है भारत में भारत में ठीक है ना भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी जब जब बात आएगी अंग्रेजी शिक्षा की तब आपका नाम आएगा मैकाले का, तो जिनका भी आंसर थॉमस मैकाले आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब क्या हो जाएगा मैकाले तो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष चुना गया था और भाषा संबंधी विवाद पर राय मांगी गई थी जिसमें मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की अनुशंसा की और कहा कि हमें अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसा वर्ग तैयार करना है जो जाति और रंग से भारतीय हो लेकिन विचार रुचि और बुद्धि से अंग्रेज हो तो जिनका भी आंसर आ रहा है लॉर्ड मैकाले बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताइए 1800 सौ रुपए की राशि पर 10 परसेंट वार्षिक दर से 9 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है ठीक है ना तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा सर एक बार मेरा नाम बोल दीजिए रत्नाकर प्रसाद अब आप खुश हैं देखो 1800 है दर अगर 10 परसेंट दस का आधा 5 परसेंट अट्ठारह सौ का पांच परसेंट नब्बे 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 फिर नब्बे का दोस्तों पांच परसेंट कितना हो जाएगा नब्बे का पांच परसेंट निकालोगे तो नौ पंजे पैंतालीस चार सौ पचास तो फोर पॉइंट फाइव आ जाएगा नौ आ जाएगा अब कहने का मतलब ये है कि हम लोग ट्री मेथड लगाएंगे तो ट्री मेथड में आपका क्या हो जाएगा यहां पर आपका नब्बे 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 नौ चौक छत्तीस तीन सौ साठ के आसपास आंसर होगा तो 360 के आसपास ना छियासी है ना दो है ना उन्नीस है 360 के आसपास आपका उत्तर आ रहा है तीन तो राइट आंसर बिना देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी सही जवाब क्या होगा डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए नमस्ते डेविल दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन थे दोस्तों अब आपको बताना है दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन थे तो दुर्गेश नंदनी के लेखक थे आपके वंकिम चंद्र चट्टोपधाय सही जवाब क्या होगा वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताइए दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए दिए गए चार संख्या युग्मों में से तीन किसी प्रकार से आपस में संबंधित है और एक आपका भिन्न है उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से आपका भिन्न है उन्तीस दे रखा है उन्तीस को ऐसे देखो दो इंटू नौ दो निम्न १८ अठारह का स्क्वायर हो जाएगा आपका तीन सौ चौबीस ठीक है ना समझ में आ रहा है फिर दे रखा है आपका सैतीस सैतीस को ऐसे देखो तीन सत्ते चार सौ इकतालीस ऐसे देखो पांच पंद्रह पंद्रह का स्क्वायर दो सौ पच्चीस दो तिया छह तो छह का स्क्वायर छत्तीस होगा छे का, हो का क्यूब होता है दो सो स्टो सोलह तो डी वाला गलत दे रखा है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी अगला क्वेश्चन किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुर्तियों के बारे में लिखा था तो यहाँ पर आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा जाति व्यवस्था की कुरतियों के बारे में लिखा था तो जिनका भी आंसर आ रहा है ज्योति राव गोविंद राव बिल्कुल राइट right है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी आ रहा है बिल्कुल राइट right है सही जवाब हो जाएगा डी अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए दोस्तों दो संख्याओं का मासा नौ है लासा दो सौ सत्तर है एक संख्या सत्ताईस है दूसरी निकालिए दूसरी संख्या बराबर लासा दो सौ सत्तर इंटू मासा नौ पहली संख्या सत्ताईस सत्ताईस धाम दो सौ सत्तर नौ धाम नब्बे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी दूसरी संख्या आपकी नब्बे आ जाएगी तो जिनका भी आंसर नब्बे आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब आपका नब्बे हो जाएगा क्लियर है अब बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए दोस्तों श्री हरिकोटा जहां से चंद्रयान टू को प्रक्षेपित किया गया था किस जिले में स्थित है चलिए बताइए तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा ए बी सी या फिर डी तो जिनका भी आंसर आ रहा है नेल्लोर बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब आपका हो जाएगा नल्लोर हो जाएगा ठीक है ना तो जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट है अब बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताइए एक आदमी एक वस्तु 950 में खरीदता है हजार रुपए में बेच देता है उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा यह आप लोग बताइए प्यारे मित्रों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों 950 में खरीदा है हजार में बेचा है तो पचास रुपए का लाभ हो रहा है 950 पर इंटू सौ तो सही जवाब क्या हो जाएगा जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा पांच से कटेगा पांच एकम पांच पांच निम पैतालीस तो सौ बटे उन्नीस आएगा उन्नीस पंजे पंचानवे पांच बचा तो आपका सही जवाब हो जाएगा पांच सही पांच बटे उन्नीस परसेंट तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए चंद्रयान टू मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों क्या आपको पता है चंद्रयान टू मिशन जब चल रहा था उस दौरान इसरो के अध्यक्ष कौन थे तो उस टाइम इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान तो जिनका भी आंसर के सिवान आ रहा है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ पिक्की का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष तो, आ, किस वर्ष में किया गया पिक्की का गठन कब किया गया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ना कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की फिक्की का गठन आपका 1927 में किया गया था तो जिनका भी आंसर उन्नीस आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब होगा 1927 अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए मेरे प्यारे मित्रों क्या आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया यह सत्र 1942 के किस महीने में हुआ था तो आपको पता होगा 8 अगस्त 1942 डेट कब है आपका भारत छोड़ो आंदोलन की 8 अगस्त 1942 तो सत्र दे रखा है 1942 के किस महीने में हुआ तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अगस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2750 में से घटाए जाने पर प्राप्त अंतर एक पूर्णघन होगा तो दोस्तों आप देख लो सत्ताईस में से अगर आप 6 माइनस करते हो तो सत्ताईस हो जाता है और सत्ताईस और किसी का नहीं 14 का घन है तो सही जवाब क्या हो जाएगा कितना घटाओगे अगर आप छः घटाओगे तो संख्या एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगी संख्या एक आपको परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगी तो जिनका भी आंसर आ रहा है छ बिल्कुल राइट है सही जवाब हो जाएगा छ अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताइए आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी के बाल सफेद होते हैं भूरे बाल होते हैं लाल बाल होते हैं कोई त्वचा में ज्यादा गोरा ज्यादा काला होता है नमकीन रंग होता है गेहूँ रंग होता है और आंखें किसी की नीली भूरी हरी होती हैं तो इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है कौन सा वर्णक जिम्मेदार है तो ये वर्णक है मेलानिन सही जवाब क्या होगा सही जवाब आपका मेलानिन होगा तो जिनका भी आंसर मेलानिन आ रहा है बिल्कुल राइट है चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया कि जैसे ए बराबर वन है बी बराबर थ्री है सी बराबर फाइव है तो भैया हेड का कोड क्या होगा तो आपको बताना है हेड का कोड क्या हेड का कोड किस प्रकार लिखा जाएगा हेड का कोड किस प्रकार लिखा जाएगा चलिए बताइए जैसे दोस्तों ए ए की वैल्यू क्या होती है वन होती है वन से पहले जीरो आता है तो एक हो गया ऐसे बी बी की वैल्यू दो होती है दो से पहले एक आता है तो आपका तीन हो गया सी है तीन है तीन से पहले दो आता है तो आपका पाँच हो गया ऐसी दोस्तों आपका एच है एच क्या है दोस्तों आठ से पहले सात आता है तो आठ सात पंद्रह ऐसे ही आपका ईद रखा है ई आपका है पाँच से पहले चार आता है तो पाँच चार नौ ऐसे आपका ए तो ए तो मैंने निकाल ही रखा है पहले से एक है और डी आपका चार पर आता है चार से पहले तीन आएगा तो सात तो पंद्रह नौ एक सात सही जवाब क्या हो जाएगा पंद्रह नौ एक सात तो जिनका भी आंसर आ रहा है पंद्रह नौ एक सात बिल्कुल राइट है सही जवाब हो जाएगा सी अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है सड़सठवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नहीं मिला तो किसे नहीं मिला है यह बताना है तो राइट right आंसर हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिला है तो राइट right आंसर हो जाएगा सी ठीक है बल्कि इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया है छिछोरे जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म की सूची में शामिल हैं छिछोरे जो मूवी आई थी सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा अभिनय की गई थी हिंदी भाषी मूवी है तो राइट right आंसर हो जाएगा सी अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है धनुष का होता है तीर जैसे धनुष से तीर दागा जाता है वैसे ही बंदूक से दोस्तों गोली दागी जाती है बुलेट तो बंदूक का क्या हो जाएगा बुलेट हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए तो प्यारे मित्रों ध्यान दीजिए चिलका झील निम्नलिखित में से चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील तो जिनका भी आंसर आ रहा है चिल्का झील अगर आपका आंसर आ रहा है किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है राजहंस के लिए तो जिनका भी आंसर राजहंश आ रहा है बिल्कुल राइट है चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सब दूसरा सबसे बड़ा लैगून है तो ये आप लोगों का जैसे कि आपको पता है राजहंस के लिए फ्लेमिंगो के लिए काफी फेमस है सही जवाब होगा राजहंस अब देखिए मोहन एक दिन में साठ रुपए कमाता है दूसरे दिन में पचास रुपए खर्च करता है तीसरे दिन साठ रुपए कमाता है चौथे दिन पचास खर्च करता है और बाकी दिन भी यही क्रम चलता रहता है तो किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास दो सौ रुपए होंगे किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास दो सौ रुपए होंगे तो चलिए आप लोग बताइए यहां से आपका सही जवाब क्या होगा ए होगा बी होगा सी होगा या फिर डी होगा तो प्यारे मित्रों जैसे कि साठ रुपए कमाता है मतलब एक दिन में साठ रुपए कमाए फिर अगले दिन पचास रुपए ख़त्म कर दिए तो दो दिन में दस रुपए कमाए तो ऐसे ही मल्टीप्लाई क्या कर दो आप लोग इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप इधर दोस्तों क्या कर दो जैसे कि साठ रुपए कमाए पचास रुपए खर्च कर दिए तो दो दिन में दस रुपए कमाता है तो इधर मल्टीप्लाई कर दी चौदह से इधर मल्टीप्लाई कर दी चौदह से तो चौदह दुनी अट्ठाईस तो अट्ठाईसवें दिन एक सौ चालीस कमाएगा अगला दिन आएगा एक दिन एकवा दिन आएगा उस दिन साठ रुपए कमाएगा तो यानी कि 29वें दिन वो आपका दो सौ रुपए कमा लेगा तो सही जवाब क्या होगा 29वें दिन राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा उनतीसवें दिन ये मैथ और रीजनिंग का कॉम्बो है वैसे ये पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन है जिसको बिल्कुल घुमा के पूछा गया है तो जिनका भी आंसर आ रहा है उनतीसवें दिन बिल्कुल राइट है परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उनतीसवें दिन ठीक है तो जिनका भी आंसर उन्तीसवें दिन आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब हो जाएगा उनतीसवें दिन चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए देखिए दोस्तों सात सात चौदह चौदह को दो से डिवाइड करोगे तो सात बचेगा आठ और छ चौबीस छह से डिवाइड करोगे तो छ चौक चौँग चौबीस आ जाएगा सत्रह प्लस पंद्रह बत्तीस चार अट्ठे बत्तीस होता है ऐसे छे धाम साठ आएगा तो सत्ताईस में क्या जोड़ें कि साठ आ जाए तेंतीस जोड़ दो सत्ताईस और तैतीस आपका साठ जैसे कि दोस्तों आपका आठ चौक बत्तीस सत्रह और पंद्रह बत्तीस ऐसे दोस्तों आपका छः चौक चौबीस छः चौक चौबीस सोलह आठ चौबीस ऐसे सात दुनी चौदह सात सात चौदह तो सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा तैतीस अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है प्लस का मतलब है भाग प्लस का मतलब है भाग माइनस का मतलब है गुणा माइनस का मतलब गुणा गुणे का मतलब है जोड़ जोड़ तो सात प्लस चार बटे दो मल्टीप्लाई का तीन दो दुनी चार है दो तिया छ है तो सात और छ ये आपका कितना आ जाएगा तेरह आ जाएगा तो जिनका भी आंसर तेरह आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा तेरह अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों उस बैन आरे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है तो आपको दे रखा है एशिया नेपाल भारत तो एशिया में ही नेपाल और भारत दो अलग अलग देश आते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा एशिया में आपका नेपाल आता है इंडिया आता है दोनों एशिया में ही आते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा डी चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सभी बेड मेज हैं कोई भी मेज अलमारी नहीं है ठीक है ना और कुछ अलमारी कवर्ड है अब कुछ अलमारी कवर्ड है तो हम लिख सकते हैं कुछ कवर्ड अलमारी है लिख सकते हैं कुछ कवर्ड अलमारी है कुछ कवर्ड अलमारी है और कोई भी मेज अलमारी नहीं है तो इसको लिख सकते हैं कोई भी अलमारी मेज नहीं है इसमें बदल सकते हैं कोई भी अलमारी कोई भी अलमारी मेज नहीं है तो अलमारी अलमारी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा कुछ कवर्ड मेज नहीं है तो आपका राइट आंसर सेकेंड होगा बाकी आपका कोई नहीं बन रहा है तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा ओनली सेकेंड तो जिनका भी क्लास में आंसर आ रहा है ओनली सेकेंड बिल्कुल राइट right है परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड कि कोई आ, कुछ कवर्ड मेज नहीं है कुछ कवर्ड मेज नहीं है समझ में आ रहा है तो केवल सेकेंड वाला ही राइट हो सकता है चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है हवाई जहाज जैसे हैंगर में खड़ा होता है वैसे बस कहाँ खड़ी होती है बस आपकी डिपो पर रुकती है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डीपो में खड़ी होती है तो सही जवाब हो जाएगा डिपो अगला क्वेश्चन बताइए पांच के विपरीत क्या आएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर चार है यहाँ पर छ है यहाँ पर पांच है यहाँ पांच है छ है एक है ये दो है ये चार है ये तीन है तो चार से गए तीन पर तीन से गए दो पर चार से गए तीन, तीन पर तीन से गए दो पर चार से गए छः पर छः से गए पांच पर, पर चार से गए छः पर छः से गए पाँच पर तो पाँच के विपरीत आपका क्या आ जाएगा तो प्यारे मित्रों पांच के विपरीत हमें दो मिल रहा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका दो हो जाएगा तो पांच के विपरीत क्या मिलेगा दो मिलेगा चार के विपरीत हमारा क्या आ जाएगा एक आ जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है क्लियर है आप चाहे तीन लेके कर लीजिए तीन पांच एक तीन पांच एक तीन दो चार समझ में आ रहा है तो जिनका भी आंसर दो आ रहा आप चाहें इन दोनों को ट्राई कर लीजिए आपका आंसर दो आएगा हर हाल में आपका आंसर दो आएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है चलिए इस सवाल को लगाइए देखते हैं कि आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा चलिए मैं ये सवाल जो है आप सबको लगाने के लिए देता हूं और चेक करूंगा कि दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहुत बढ़िया सवाल है और पेपर में भी इस तरीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में ही इस टाइप से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अब आप लोग समझिए क्या दे रखा है देखिए देखिए दोस्तों सिंपल सी बात समझ में आ रहा है तो पी और क्यों आपकी बहने बहनें हैं पी और क्यों आपकी बहने बहनें हैं आर क्यों का पिता है आर जो है क्यों का पिता है एस आर की माँ है एस आर की माँ है टी एस का भाई है टी दोस्तों एस का भाई है तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है तो पी जो है एस के बेटे का बेटी है तो दोस्तों पुत्र की पुत्री है तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि ऑप्शन गलत है तो मैं बता दूं ऑप्शन सही है ऑप्शन गलत नहीं है ऑप्शन बिल्कुल राइट है तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी बिल्कुल राइट है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए अब देखते हैं कि आप लोगों में से कौन बताएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा यहाँ से आपको बताना है कि ए होगा बी होगा सी होगा या फिर डी होगा अब की बार मत बोलना कि भैया ऑप्शन गलत है तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन सही है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो ध्यान से आप सब लोग समझिए देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है प्लस प्लस का मतलब है भाग प्लस का मतलब आपको दे रखा है भाग ठीक है ना प्लस का मतलब है भाग मल्टीप्लाई का मतलब है जोड़ मल्टीप्लाई का मतलब है जोड़ अब इस सवाल को लगाइए दो बटे चार प्लस का आपके सामने क्या दे रखा है प्लस का दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है सर जी पूरा क्वेश्चन है तीन और दो के बीच में गैप है तीन और दो के बीच में गैप है यहाँ पर डिवाइड दे रखा है अब लगाइए ठीक है ना यहाँ पर आप लोगों को गैप दे रखा है चलिए अब लगाइए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था यहां पर गैप दे रखा था तो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे इसको देखिए आखे धोखा खा गई देखिए कुछ बच्चों का जवाब आ गया कह रहा कुछ भी कर लो बत्तीस दशमलव पांच आएगा देखिए तो मेरे प्यारे मित्रों प्लस का मतलब क्या है प्लस का मतलब आपका जो है भाग है मल्टीप्लाई का मतलब जोड़ है और डिवाइड का मतलब घटाना है तो दो बटे चार प्लस का तीन माइनस का दो तो ये आपका जीरो पॉइंट फाइव हो गया ये आपका जीरो पॉइंट फाइव हो गया तीन में आपका दो गया एक बचेगा तो सही जवाब क्या हो जाएगा वन पॉइंट फाइव तो जिनका भी आंसर वन पॉइंट फाइव आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा 1.5 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर तो जिन दोस्तों का भी आंसर 1.5 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है सही जवाब हो जाएगा 1.5 ओके चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं आप लोगों में से कौन इस सवाल का सही जवाब देगा देखिए चार है साढ़े तेरह है बत्तीस है फिर मुझे भी नहीं पता क्या आएगा फिर दे रखा है एक सौ आठ देखते हैं कि अब की बार आप लोगों में से सही जवाब कौन देगा ए आएगा बी आएगा सी आएगा या फिर आप लोगों का डी आएगा चलिए देखते हैं कौन अपने प्रथम प्रयास में पास होगा दोस्तों इस बार कौन सा ऐसा हमारा डियर स्टूडेंट है जो अपने प्रथम प्रयास में पास होगा तो चलिए आप लोग बताइए सही जवाब क्या होगा देखिए तो पहले मैंने क्या किया दो का स्क्वायर किया एक से मल्टीप्लाई किया दो धनी चार चार एकम चार चार हो गया ठीक है ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज तक इस सवाल को मात्र दस बच्चे लगा पाए दस परसेंट बच्चे लगा पाए इस सवाल को आज तक केवल दस परसेंट बच्चे लगा पाए बाकी लोगों ने इसका जवाब डी दिया है बाकी लोगों ने इसका जवाब डी दिया है फिर मैं आपको बताऊं फिर मैंने क्या किया तीन का स्क्वायर किया और इसकी मल्टीप्लाई देर से कर दी तीन तिया नौ पंद्रह न एक सौ पैंतीस तो तेरह दशमलव पांच हो जाएगा फिर चार का स्क्वायर सोलह दो से मल्टीप्लाई करा देंगे सोलह दुनिया आपका बत्तीस हो जाएगा तो आगे अब आप लोग समझदार लगा सकते हैं कि आगे आपका क्या होगा तो पांच का स्क्वायर करोगे और उसकी मल्टीप्लाई ढाई से कर दोगे पचम पच्चीस पच्चीस जहाँ छः सौ पच्चीस तो छः सौ पच्चीस का बासठ दशमलव पांच हो जाएगा बासठ दशमलव हो जाएगा ठीक है ना फिर आपका छ का स्क्वायर किया छत्तीस छत्तीस की तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सौ आठ हो जाएगा तो इस पूरी क्लास में जैसा कि आप लोगों ने देखा इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा पूरी क्लास में कि इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पाया तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी डी कह रहा जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है सी वाले और डी वाले सब गलत हैं सी वाले और डी वाले सब गलत हैं देखिए पहले एक है फिर डेढ़ है फिर दो है फिर ढाई है फिर तीन है समझ में आ रहा है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए सबका गलत आप लोग तो दस परसेंट में भी नहीं आए यहां तो पूरा का पूरा जीरो परसेंट हो गया एक भी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया एक भी बच्चे ने जो सही जवाब दिया हो चलिए कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब सौ में सौ लोग दे देंगे तो देखते हैं कि अब इस सवाल का जवाब कौन देगा तो प्यारे मित्रों चलिए आप सब लोग बताइए यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से जवाब दीजिए ए होगा बी होगा सी होगा या फिर डी होगा देखिए एफ है तो उल्टा एफ यहां पर बन रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए तो मेरे प्यारे मित्रों वन सिक्स नाइन है फिर पता नहीं क्या आएगा फिर तीन सौ इकसठ है फिर पांच सौ उनतीस है आठ सौ इकतालीस है तो यहां पर क्या चल रहा है देखिए यहां पर मैं आपको बता दूँ यहां पर आपका प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है यहां पर क्या चल रहा है प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है ठीक है ना तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा तेरह का स्क्वायर क्या होगा तेरह का स्क्वायर आपका वन सिक्स नाइन है तेरह के बाद अगला प्राइम नंबर सत्रह आएगा क्योंकि चौदह पंद्रह सोलह के बाद सत्रह सत्रह का आपका दो सौ नवासी हो जाएगा सत्रह के, के बाद आपका तेईस आता है तेईस का स्क्वायर 529 सौ होगा तेईस के बाद आपका 29 आता है 29 का होगा आठ सौ इकतालीस तो सही जवाब क्या होगा सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों दो सौ नवासी तो जिनका भी आंसर आ रहा है दो बिल्कुल करेक्ट है सही जवाब हो जाएगा 289 अगला क्वेश्चन इसको देखिए यह सवाल आज का अंतिम सवाल है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं तो इस सवाल का जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे सात सौ पिचासी आठ सौ इक्यावन सात सौ आठ सौ चालीस आठ सौ सात आठ सौ सत्ताईस इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है तो दोस्तों आपको बताना है कि यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा कौन सी संख्या गलत है यह आपको बताना है ठीक है ना चले तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा हाँ इसके बाद मैं आपको दिल्ली पुलिस की क्लास कराऊंगा सी आई एस एफ अश्मित सुन लीजिए इसके बाद दिल्ली पुलिस एस आई सी आई एस एफ मिनिस्ट्रियल एस आई ठीक है ना और एस सी एम सभी लोग ध्यान दीजिए इसके बाद आपकी क्लास एस SI आई की होगी तो मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बी एस ए ट्रिकी क्लासेस को तब तक के लिए नमस्कार जय बी एस ए जय बी एस ए क्लास और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जय हिंद वंदे मातरम